हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकेशनल पाठशाला। आई एम सुनील एंड इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस बटलर्स टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूजीसी नेट टूरिज्म एग्जाम। सो इस वीडियो को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है समझने में और कई बच्चों को हिंदी में। सो मैं कोशिश करूंगा इसको दोनों लैंग्वेजेस में बनाने की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस बटलर्स टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल मॉडल। सो दिस मॉडल इज़ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। किस तरीके से टूरिज्म एक डेस्टिनेशन पे विकसित होता है, विकास करता है ओवर द टाइम, उस चीज़ के बारे में ये मॉडल है। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, आपके सामने एक मॉडल है जहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टाइम है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं: एक्सप्लोरेशन, इन्वॉल्वमेंट, डेवलपमेंट, कंसोलिडेशन, डिक्लाइन, स्टैग्नेशन एंड रिजुविनेशन। सो इन स्टेज से टूरिज्म होके गुजरता है, जिनको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं बटलर के बारे में, यानी कि जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन थे। तो रिचर्ड डब्ल्यू बटलर उनका पूरा नाम था। ही वॉज बॉर्न इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ही परस्यूड हायर एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो एंड अर्न PhD डिग्री देयर इन ज्योग्राफी। देन दिस थिंग यू नो दिस वॉज द फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टूरिज्म स्टडीज। इन हिज अकेडमिक करियर बटलर बिगन हिज अकेडमिक करियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो। ही होल्ड मैनी पोजिशंस देयर एज अ प्रोफेसर, एज अ यू नो department head. So he worked for many years there, and in 1980 he gives this concept of tourism area life cycle, which is known as TALC, and this model become a cornerstone in tourism search and planning. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इसने बहुत चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर कराया आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। उनको मैनेजमेंट में हेल्प की, उनको प्लानिंग में हेल्प की और उनको रिसर्च में हेल्प की, जो ये इन्होंने मॉडल दिया था। सबसे पहले जानते हैं ये मॉडल क्या था। सो ये एक मॉडल का जो एक ग्राफ बनाया गया है वो भी आप देख सकते हो, और इंट्रोडक्शन में लिखा गया है व्हाट इज दिस बटलर्स टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल आउटलाइंस द स्टेजेस दैट टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू गो थ्रू फ्रॉम इनिशियल डिस्कवरी टू पोटेंशियल डिक्लाइन और रिजुविनेशन ओवर द टाइम। अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेजेस इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टूरिज्म प्लानिंग। सो दिस कॉन्सेप्ट that was dwelt by butlers at the first stage he is discussing about, as you can see, exploration. So the first stage was exploration, it was the step one. In this stage, small number of adventure tourists, right, they discover a new destination or a new place, okay, and the area's natural beauty or cultural significance is its primary attraction. जो भी वो फाइंड करते हो, चाहे वो वहाँ की कल्चरल वैल्यू है, चाहे वो नेचुरल वैल्यू है, उस हिसाब से वो उस जगह को सर्च करते हैं। इट कैन बी अ स्मॉल विलेज, आइसोलेटेड प्लेस हो सकता है, कोई सिटी से काफ़ी दूर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो एंड द एरियाज नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट, एंड एट दैट स्टेज, एट द एक्सप्लोरेशन स्टेज, यू विल फाइंड वेरी फ्यू फैसिलिटीज फॉर द टूरिस्ट, राइट, एंड अ वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द लोकल कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट। मीन कुछ भी ज़्यादा उनको इम्पैक्ट नहीं होगा लोकल एनवायरमेंट को और लोकल लोगों को, अभी वो जगह सिर्फ आइडेंटिफाई हुई है, राइट, और कुछ लोग वहाँ पे आते हैं। दिस स्टेज, दिस एक्सप्लोरेशन स्टेज, यू कैन सी व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज। फर्स्ट इज स्मॉल नंबर ऑफ टूरिस्ट, मिनिमल फैसिलिटीज, हाई लेवल ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी एट दिस स्टेज। एंड एग्जाम्पल यू कैन सी अनडिस्कवर्ड नेचुरल स्पॉट्स, इमर्जिंग इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इज देयर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस, राइट। सो इस स्टेज में जब भी अभी हम हैं यहाँ पे, राइट, सो यू कैन सी इन इंडिया देर आर मैनी यू नो विलेजेस, मैनी इंटीरियर एरियाज जहाँ तक टूरिस्ट जाते हैं, पर कम लोग अभी जाते हैं वहाँ पे, राइट। मिल हार्डली एडवेंचरस पीपल विल गो देयर, राइट, बिकॉज दे वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट एट दिस प्लेस, राइट, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल नेचुरल ब्यूटी, इट कैन बी अ लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ दैट प्लेस, राइट, एंड यू विल फाइंड अ स्मॉल नंबर ऑफ टूरिस्ट देयर। सो इन द नेक्स्ट स्टेज व्हाट हैपन, so in this stage the involvement increases, right, means the number of tourists will increase at that site. What happened, people spread words about that destination and then that attract more tourists. Locals start to see potential for economic gain, begin to provide services and facilities. The local bhi opportunities ko dekhte hain, wo involve hona shuru hote hain, right. So this increases the visitor, local involvement hoti hai, basic infrastructure development starts, राइट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लग जाता है, होम स्टेज बनने लग जाते हैं वहाँ पे, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो
You can see the example. Small towns with growing tourist interest and developing beach resorts are the examples, right? What happened in next stage? But before that, you can see a model here. It's a different model. I have designed it. You can see all the stages, exploration and involvement. Already we have discussed. I am, you know, I'm just zoom kar raha hu aapke liye, zoom in, aap dekh sakte ho. Exploration number one and involvement number two, right? So this blue line indicates the original path, right? What happened in next stages, in development, consolidation, stagnation, rejuvenation and decline, we will check it out in this video. So next stage is development stage. What happened in this stage? During development stage, tourism grows very rapidly, right? Bahut tezi se ab kya ho raha hai, ab wo teesre stage pe pahunch chuka hai, right? एक्सप्लोरेशंस के बाद हम जो है इन्वॉल्वमेंट के बाद अब डेवलपमेंट स्टेज पे पहुँच चुके हैं. वी हैव रीच इन दिस स्टेज. सो द पोटेंशियल ऑफ दिस साइट, राइट, बिगन टू डेवलप. मतलब जो पोटेंशियल डेवलप करते हैं लोग वहाँ पे उस जगह के बारे में, मतलब वहाँ पे अब हमारा जो क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, होटल्स बन रहे हैं, राइट. सो देर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटीज. यू विल फाइंड देयर बड़े बड़े होटल चेन्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, you know, they start investing in that place. Examples are there, popular beach destination, historic cities with growing tourism sectors, and in this stage this destination becomes well known and marketing efforts or as well increases. Okay, so isse local log to involve ho chuke the second stage pe. Abhi bahut dusri jagah se bhi log wahan pe jobs ke liye aa rahe hain. To ab jo jagah pe, you know, that place, you will see a, you know, lot of you know, people. क्राउड बढ़ रहा है अभी वहाँ पे, राइट. होटल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर जो एक्टिविटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स डेवलपिंग डे बाय डे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो इंक्रीजिंग इन दिस स्टेज. एंड द नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर कंसोलिडेशन, इट्स सॉरी आफ्टर डेवलपमेंट इट्स कंसोलिडेशन स्टेज. सो व्हाट हैपन इन दिस स्टेज, द ग्रोथ रेट स्लोज. अभी डेवलप हो रहा था एंड दिस टाइम पे जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ है, दैट इज, यू नो, दैट इज स्लोइंग डाउन. द डेस्टिनेशन रिमेन्स पॉपुलर, मीन्स डेस्टिनेशन अभी पॉपुलर है, बट जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहे हैं, स्लो हो गया है. कम नहीं आ रहे, बट एक स्लो हो गया है रेट आना, मतलब उस तेजी से जो बढ़ रहा था. मान लो इफ द ग्रोथ रेट वॉज, यू नो, आई विल जस्ट शो यू थ्रू दिस चार्ट. यू कैन सी इफ द ग्रोथ रेट वॉज, यू नो, वन साइड यू कैन सी देर आर नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड ऑल द स्टेजेस आर देयर. तो आप देख रहे हो अभी हम एक्सप्लोरेशन, इन्वॉल्वमेंट, डेवलपमेंट, कंसोलिडेशन पे जब आ चुके हैं, राइट. तो अभी एक साइड आप जो देख रहे हो टूरिस्ट आ रहे थे 80, 100, 120, एक एग्जांपल है, हो सकता है ये 1 लाख, मतलब ये हो सकता है, मान लो 1,20,000 टूरिस्ट हों, 80,000 टूरिस्ट हों, 20,000. तो क्या हो रहा था कि जैसे मतलब हम खड़े हैं अभी 85,000 पे, मान लो, राइट. तो डेवलपिंग स्टेज पे अभी तेज़ी से हम बढ़ रहे थे, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे स्लो हो गया. ग्रोथ तो हो रही है, राइट. तो अभी जो स्पीड था वो क्या हो गया, ग्रोथ का, इट्स स्लोइंग डाउन एट द स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन. सो आवर नेक्स्ट स्टेज इज स्टैग्नेशन. सो इन दिस स्टेज वॉट हैपन, स्टेग्नेशन में क्या हो गया, अभी तो रुकी चुका है. दिस अकर्स वेन डेस्टिनेशन्स पॉपुलैरिटी रीचेज इट्स पीक एंड इट बिकम लेस अट्रैक्टिव टू न्यू टूरिस्ट. अब जो नए टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए लेस अट्रैक्टिव हो चुका है. मतलब अब कई बार, या तो कई लोग कई बार आ चुके हैं, जैसे आप भी देखते हो अपने, हम भी जाते हैं घूमने, राइट. वैन वी ट्रैवल एनी प्लेस, मतलब गोवा, तो बहुत बार जा चुके हैं, राइट. या कभी और भी कोई हिल स्टेशन है, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है कि हम भी बोलते हैं यार बार बार नहीं जाना. सो एक उसका भी एक स्टैग्नेशन स्टेज होता है, राइट. लेस रिस्ट्रिक्टिव है, बार बार जा चुके हैं. सो ओवर रिलायंस ऑन टूरिज्म कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज वेल एंड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. सो दिस में हैपन, अब ज़्यादा ही वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे एनवायरमेंट खराब हो चुका है, राइट. एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, तो इससे डिक्लाइन होती हैं चीज़ें, राइट. सो करेक्टरिस्टिक्स यू कैन सी, पीक विजिटर नंबर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिकम आउटडेटेड, पुराना भी हो सकता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, नीड फॉर री इन्वेस्टमेंट. तो उसको थोड़ा, जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी पुरानी हो चुकी है, अट्रैक्शंस, तो उनको भी थोड़ा री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है. मीन्स इट्स अ सेचुरेशन पॉइंट ऑफ टूरिज्म इन दैट एरियाज और फैसिलिटीज सेचुरेशन पॉइंट, राइट. सो इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड सोशल इशूज कैन बी अराइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो जो इन्होंने मॉडल दिया था बटलर ने, तो 1980s में इन्होंने ये चीज़ें डिस्कस करी थी, और शायद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल हैव थॉट कि ये कुछ अजीब सी चीज़ें हैं. बट नॉट ओनली, यू नो, फॉर अ डेस्टिनेशन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर इवन फॉर यू नो होटल रिजॉर्ट बिजनेस, इवन दो इन अदर बिजनेस इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ इन टूरिज्म. क्योंकि ऐसा होता है ओवर द टाइम, आप रेस्टोरेंट भी ओपन करोगे तो कुछ टाइम पे अच्छा बिजनेस करेगा, डेवलप करेगा, फिर एक स्टैग्नेशन आएगी, लोग कुछ नया चाहते हैं आपसे. सो दिस हैपन. सो व्हाट हैपन आफ्टर स्टैग्नेशन,
ये देखिए स्टैग्नेशन पे हम आ गए हैं। स्टैग्नेशन पे अब आप देखोगे डेक्लाइन देखोगे, अगला पॉइंट जो है हमारा डेक्लाइन है, मतलब अब टूरिज्म वहाँ पे गिरेगा। तो फाइनली द डेस्टिनेशन में आइदर डिक्लाइन और रिजुवनेट। तो अब यहाँ पे या तो डिक्लाइन होगा या आपको रिजुवनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इन दैट स्टेज राइट टूरिज्म नंबर ड्रॉप्स, बिजनेस में क्लोज एंड द एरिया में लूज इट्स अपील। अल्टरनेटिवली रिजुवनेशन कैन अकर थ्रू री इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर तो या तो डिक्लाइन हो जाएगा, वहाँ पे नहीं आएंगे टूरिस्ट, जगह कम हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप उस जगह को रिजुवनेट करोगे तो टूरिस्ट में इंक्रीज एट दैट प्लेस ऑफ टाइम। सो यू हैव टू यू नो सबको रिनोवेट करना है आपको, होटल्स को, अट्रैक्शंस को, ताकि ज़्यादा लोग वहाँ पे आए। आपको टूरिज्म प्रोडक्ट पे भी काम करना पड़ेगा। यू हैव टू यू नो मिक्स सम न्यू प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स इन दैट एरिया सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द टूरिस्ट। दो सिनेरियो हैं राइट, डेक्लाइन एंड रिजुवनेशन। एंड एग्जाम्पल्स यू कैन सी फॉर्मरली पॉपुलर रिजॉर्ट्स, यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा हम ले रहे हैं कि है ना, फॉर्मरली पॉपुलर रिजॉर्ट का मतलब है जो अभी पहले थे पॉपुलर, अब नहीं है, बोलते थे वहाँ हम जाते थे, अब तो कुछ नहीं आता वहाँ। सो रिजर्वेशन में सिटीज़ रिवेटलाइज्ड थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स। सो वो नई नई चीज़ों पे काम करते हैं, कुछ नई इनोवेशंस लेके आते हैं, इनोवेटिव अट्रैक्शंस पे काम करते हैं राइट, डाइवर्सिफाई करते हैं टूरिज्म को वहाँ पे। तो इस तरीके से भी उस जगह को, उस डेस्टिनेशन को हम बचा सकते हैं राइट। तो आप देख सकते हैं आपके ग्राफ में भी सामने है, जैसे डिक्लाइन है बट देन रिजुविनेशन से हमने वहाँ पे जो लाइफ साइकिल है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है। वी हैव इंक्रीज दैट लाइफ साइकिल जो ख़त्म होने वाला था, दैट टूरिज्म इन दैट एरिया में डिक्लाइन, बट वी हैव जस्ट सेव दैट आफ्टर रिजुविनेशन और टूरिज्म फिर से ट्रैक पे है। एंड सेम अप्लाई टू द अदर टूरिज्म बिजनेसेस एज वेल। इवन दो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल बिफोर दिस, यू नो इफ आई आई हैव टू से यू नो दिस सेम कॉन्सेप्ट वॉज यूज बाय यू नो मैनी साइंटिस्ट। ओके यू नो द नोशन ऑफ लाइफ साइकिल जो था राइट, इट्स मेन थिंग इट्स वॉज बोरोड फ्रॉम अ बायोलॉजिकल साइंस वेयर इन ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू स्पेसिफिक फेजेस ड्यूरिंग हिज एग्जिस्टेंस। तो यू नो लाइक बर्थ एंड डेथ डिनोटिंग द स्टार्ट एंड द एंड रिस्पेक्टिवली। तो ये लाइफ में भी होता है, लाइफ होता है तो फिर उसका एक दिन डेथ भी होता है। बट इसी तरीके से किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का होता है, अगर वो कहीं शुरू हुई है, वी स्टार्टेड इट, तो देर विल बी एंड पॉइंट। बट यू कैन पुट सम यू नो लाइफ इन दैट बाय रिजुविनेशन राइट। सो सेम कॉन्सेप्ट दिस वॉज यूज इन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग स्टडीज एज वेल। बट आफ्टर दैट यू नो बटलर आइडेंटिफाइड कि कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो ही डज दैट इन 1980। एंड इसने टूरिज्म एरिया में जो है काफ़ी रिसर्च के एरिया में, मैनेजमेंट के एरिया में, प्लानिंग के एरिया में जो है इस कॉन्सेप्ट ने जो है हमेशा अपना होल्ड रखा है राइट। सो डिक्लाइन देन देर इज़ अनदर थिंग एट द एंड ऑफ द यू नो वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस विद यू दैट इज़ वट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ साइकिल। सो देर आर द टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। फर्स्ट इज इंटरनल क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शंस, सेकंड इज मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। सो इंटरनल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ साइकिल को, किस तरीके की क्वालिटी है आपकी अट्रैक्शन पे, और मैनेजमेंट और प्लानिंग किस तरह का, ये भी इंटरनल फैक्टर्स इसको डिसाइड करते हैं, इट कैन अफेक्ट दिस लाइफ साइकिल। सेकंड इज एक्सटर्नल, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे हो रहे हैं वहाँ पे, ये भी आपके लाइफ साइकिल को, टूरिज्म का जो लाइफ साइकिल है उस एरिया में वो डिपेंड करता है। देयर इज इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट गुड तो टूरिज्म विल अफेक्ट, मतलब टूरिज्म ग्रोथ विल यू नो स्टॉप्स। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर टूरिज्म, इट्स अ फैक्ट। इफ यू देर इज़ नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान इज द बेस्ट एग्जाम्पल राइट। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी तो टूरिज्म का वहाँ पे क्या हाल है। इवन इंडिया इन जम्मू कश्मीर यू कैन सी, सॉरी इन जम्मू कश्मीर मैनी टाइम्स देर यू कैन हैव सीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सो वॉट टाइप ऑफ इशूज हैपन देयर, बट नाउ इट्स इन अ डिफरेंट लेवल। सो टूरिज्म इज ग्रोइंग फास्टली इन दैट एरिया एज वेल। एंड लास्ट इज एनवायरमेंटल चेंजेस। So environmental changes also affects, you can see many places where due to tourism you know environmental issues are happening, and we can see that. So these are the you know both type of factors you can see that will affect definitely a you know life cycle of that area. And case studies I have taken your real world examples. So first is exploration, remote island means exploration जो हमारी स्टेज है उसमें हमारे पास रिमोट आइलैंड है जहाँ पे अभी कोई जाता नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड है, हो सकता है आने वाले टाइम में वहाँ पर टूरिज्म ग्रो हो। डेवलपमेंट स्टेज में कोस्टल सिटीज़ है, देर आर मैनी सिटीज़ इन द वर्ल्ड, आई विल नॉट नेम एनी वन, बट मैनी सिटीज़ एंड टूरिज्म इज यू नो एट अ डेवलपमेंट स्टेज ग्रोइंग वेरी फास्टली। एंड कंसॉलिडेशन स्टेज यू कैन सी मेजर मेट्रोपोलिशन एरियाज इन द वर्ल्ड, बहुत सिटीज़ हैं ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं टूरिज्म की वजह से, और उसकी वजह से जो है कंसॉलिडेशन वहाँ पे स्टेज आ चुका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगेन आई एम शोइंग यू, क्यों बिकॉज अभी ख़त्म हो गया हमारा स्लाइड, तो आई एम शोइंग यू अगेन द यू नो दिस मॉडल
exploration, development, consolidation, stagnation. After stagnation, there are two choices in front of any destination. It's rejuvenation or decline. So which one they want to choose, it depends on them. Even I have shown in this graph, the red line it shows decline and the blue line, sorry, the green line it shows rejuvenation. So ye sab jo hona hai after stagnation hi hona hai. Stagnation will decide this thing. ठीक है, उसके बाद आपको प्लानिंग अच्छी चाहिए, यू नीड अ प्रॉपर मैनेजमेंट इन दैट एरिया. सो ओनली आफ्टर दैट यू कैन फाइंड दिस थिंग. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, बटलस टूरिज्म एरिया लाइफ साइकिल मॉडल. आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट दैट द डिटेल्स दैट आई हैव गिवन टू यू एंड दिस यू नो आई एम जस्ट डूमिंग इन टू शो यू दिस मॉडल एज वेल. ये रह गया था. सो दिस इज़ द सेम थिंग अगेन, यू नो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टूरिज्म मॉडल. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो. और विद टाइम मैं बहुत सारी एमसीक्यूज भी उसमें डालता रहता हूँ, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी डालता रहता हूँ. डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू. तो अभी ज्वाइन कर लीजिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से. डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वहीं पे है. इफ़ यू वांट टू सपोर्ट माय कम्युनिटी, दिस वोकेशनल पाठशाला कम्युनिटी, सो देयर इज़ अ सुपर फैन लिंक. यू कैन कंट्रीब्यूट देयर. कुछ भी डोनेशन आप दे सकते हैं सो दैट मैं भी आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँ, मैं भी मोटिवेट होता रहूँ. एंड यू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने कमेंट्स भी मुझे बताएं इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा वीडियो. कोई आपको फीडबैक देना है डेफिनेटली वो मुझे मोटिवेट करता है. तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपना जो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें. एटलीस्ट दो से तीन दोस्तों के बीच शेयर करें वीडियो को. दैट विल हेल्प जो बच्चे यूजीसी ने टूरिज्म के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं. और मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं यूजीसी ने टूरिज्म के लिए. डेफिनेटली चैनल में, वोकेशनल पाठशाला चैनल में आपको अलग सेक्शन के अंदर यूजीसी ने टूरिज्म बाय वोकेशनल पाठशाला जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे. सभी को जो है आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.